नमस्कार, मैं भावना सिंह। आज हम बात करेंगे कई दिनों से चल रहे किसान विरोध प्रदर्शन के कुछ खास मुद्दों पर। किसानों का मीडिया पर विश्वास नहीं हो रहा है। मीडिया पर किसानों को विश्वास क्यों नहीं हो रहा है? आखिर वो वजह क्या है जिससे किसानों का मीडिया पर भरोसा उठ चुका है? किसान आंदोलन के दौरान MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य के बाद सबसे अधिक यदि कोई शब्द सुनाई दे रहा है तो वो है गोदी मीडिया। ये वाक्यांश हम मीडिया के उस हिस्से के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं जो प्रदर्शनकारियों की नजर में सरकार का पक्ष रख रहे हैं और किसानों के आंदोलन के बारे में आधारहीन नकारात्मक खबरें प्रसारित कर रहे हैं। कैमरामैन और हाथ में माइक लिए रिपोर्टरों को देखते ही गोदी मीडिया गो बैक के नारे लगते हैं। लोग पत्रकारों से बात करने से पहले ये देखते हैं कि उनके हाथ में माइक पर किस चैनल का लोगो है। मीडिया की भूमिका आंदोलन में शामिल किसानों की मांग को समझकर उसे सरकार और देश तक पहुंचाने की है, लेकिन आंदोलन में शामिल लोगों को लगता है कि मीडिया ये काम करने के बजाय किसी भी तरह से आंदोलन की कोई कमी खोज लेना चाहती है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ये पहली बार नहीं है जब भारत में सरकार के फैसलों के विरोध में खड़े किसी आंदोलन के दौरान मीडिया के प्रति नाराजगी जाहिर की जा रही है, लेकिन दिल्ली को हरियाणा और उत्तर प्रदेश से जोड़ने वाले राजमार्ग पर किसानों का जो आंदोलन चल रहा है उसमें मीडिया के प्रति दिख रहा गुस्सा असाधारण है। मुख्य धारा की मीडिया के कई चैनलों के पत्रकारों को लोग खुलकर हुट कर रहे हैं। पोस्टरों और बैनरों से उनका विरोध किया जा रहा है। मीडिया जो अपने आप को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहती है, कहीं न कहीं उसने अपनी विश्वसनीयता लोगों की नजर में खो दी है। बीते दो महीनों से किसानों का ये आंदोलन पंजाब में चल रहा था। इस दौरान किसानों ने कई प्रदर्शन किए, रैलियां की और रेल भी रोकी, लेकिन राष्ट्रीय मीडिया में उन्हें कोई खास जगह नहीं मिल सकी। किसान आंदोलन में शामिल लोगों में इस बात का भी गुस्सा है कि राष्ट्रीय मीडिया ने इस आंदोलन को तब तक नजरअंदाज किया जब तक कि किसान दिल्ली की सीमा तक नहीं पहुंच गए। कई दिनों से चल रहे किसान आंदोलन का अब तक कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। किसान अपनी मांगों पर अड़े हैं, हालांकि सरकार और किसानों के बीच बातचीत बराबर हो रही है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कृषि कानून किसानों के हित में है और उन्हें फायदा पहुंचाने के मकसद से लाए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बार बार ये भी कहा कि अफवाहें फैलाई जा रही हैं और किसानों को बरगलाया जा रहा है, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो किसानों को डरा रही है। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही, और ऐसी ही बड़ी जानकारी के लिए देखते रहिए HBN News।